नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ की अतरौलिया पुलिस ने अवैध असलाह कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। 26 नवंबर 2023 को उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा अपने पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान शेरवापुरिया के अभियुक्त अनिल उर्फ करिया पुत्र नगीना निवासी पकड़ियापुर मखना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को एक देसी तमंचा, नजायज 303 बोर प्रतिबंधित व एक अर्ध जिंदा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया है। सगड़ी तहसील अंतर्गत जैनपुर मुख्य बाजार में रविवार को ईर्जा ऑप्टिकल्स का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर मेहताब आलम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि रविवार को सगड़ी तहसील अंतर्गत जैनपुर मुख्य बाजार में ईर्जा ऑप्टिकल्स का डॉक्टर मेहताब आलम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। डॉक्टर मेहताब आलम ने शुभारंभ के मौके पर कहा कि ईर्जा ऑप्टिकल के खुलने से यहाँ के लोगों को अनेकों सुविधाएं मिलेगी। साथ ही उन्होंने ईर्जा ऑप्टिकल्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वही मोहम्मद आबिद ने बताया कि हम लोग यहाँ पर जापानी कंप्यूटर से आंखों की जांच करके पावर धोपी कॉन्टैक्ट लेस उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मोतियाबिंद नाखून एवं क्लेजियन के ऑपरेशन की भी यहां सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहां अनेकों प्रकार के चश्मे भी मिलेंगे। इस अवसर पर आतिफ खान, अनीस अहमद, सोनू सिंह, आसिम खान, सादिक साकिब साहिद सहित आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर प्रजापति ने आज जिला आजमगढ़ में निरुद्ध बंदियों के साथ संवाद किया। संवाद से पूर्व उन्होंने बंदियों के साथ घर बैठकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की मन की बात सुनी। संवाद कर उन्होंने कहा कि अपनी एक गलती की वजह से बाहर आपके परिवार को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका आप लोगों को अंदाजा है क्या? कोई भी परिवार आपकी बहन या बेटी को शादी के लिए स्वीकार नहीं करता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह तक समस्या बन जाती है। उन्होंने अवधबंदियों से अपील की कि आगे से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको दोबारा जेल जाना पड़े। कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में, इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवम्बर से किया जा रहा है। इस क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अजमतगढ़ में प्रथम पाली में खतीपुर, द्वितीय पाली में ढोलीपुर, महाराजगंज में प्रथम पाली में बेजुआपार एवं द्वितीय पाली में सिंह घवारा खास, दबरपुर में प्रथम पाली में गढ़नखोड़ एवं द्वितीय पाली में लखनपुर सहित तमाम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। राशन जिससे परिवार को घर के भोजन मिला, बचे पैसे से घर के अन्य काम आसानी से हो गए। भोजन मिलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चों के कुपोषण में कमी आई, जीवन स्तर में सुधार हुआ, ऑनलाइन व्यवस्था होने से राशन कार्ड बनवाने में कटा हुआ सबका हो गया। उससे मैं अपना खेती बाड़ी संभालता हूँ और अच्छी पैदावार होती है और मोदी जी को धन्यवाद। चुनौती को परास्त करने के लिए है तत्पर, अभी तो बहुत दूर जाना है, कई नई मंजिलों का सफर तय करना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। जलीत का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ, विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ।
सगड़ी तहसील क्षेत्र की अजमतगढ़ खंड विकास समिति से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव पहुंच रही है। अलग अलग विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर पात्रों का चयन किया जा रहा है। वही शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। बता दें कि अजमतगढ़ ब्लॉक के ढोलीपुर गांव में आज भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें अलग अलग विभाग के द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वही पात्र व्यक्तियों को खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी व रामकृपाल दुबे ने संयुक्त रूप से पात्र लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचाने एवं नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, अटल पेंशन योजना, मुफ्त राशन, सामूहिक विवाह, श्री अन्य योजना, मुफ्त इलाज, हर घर जल, नल जल सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वही पात्र पात्रों का चयन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान रामसूरत, पूर्व प्रधान महमूद आलम, इश्तियाक अहमद, इकराम अहमद, आशीफ, जैनुल आब्दीन इस्लाम, हाजी महफूज, सैफ सादिक सहित आप लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? जो भी सरकार की नीति की जो भी योजना हर ग्राम वासियों को उसका लाभ देने का संकल्प करता हूँ। जो भी सरकार से जो भी लाभ, जो आप पेंशन सम्मान किसान निधि का पैसा, बाकी शौचालय, जो भी किसान का खेती का काम, जो पशुपालन का काम, जो भी ग्राम सभा में जितना भी हो सकता है उसके लिए प्रोग्राम किया गया, उनको सभी ग्राम वासियों को उसका लाभ देने का अवसर दिया जा रहा है। सारे लोग अपना अपना आके अपना डॉक्यूमेंट लाके अपना लाभ का योजना का लाभ उठाए। गरीब लोग हैं, हाँ, यहाँ जनता की जो भी गरीब आदमी है, जिसकी भी जो भी दिक्कत है, वो उसकी दिक्कत का जो भी आता है कहता है, उसका भरपूर उसका साथ दिया जाता है। हाँ, उसके साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हाँ, जो भी गरीब है आदमी, जिसका बीमार पड़ गया, थाना तरवा क्षेत्र अंतर्गत नायब तहसीलदार के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ संजय कुमार ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। तरवा थाने में क्या घटना घटित हुई थी? तरवा थाने में राजेश कर्मियों से बदतमीजी करने के प्रकरण में कभी भी पंजीकृत हुआ है, जिसमें मामला ये है कि एक जमीन जिसको उसके भाइयों ने कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी थी, उसमें किसी पक्ष को कब्जा दिलाने के लिए राजेश कर्मी गए हुए थे, लेकिन एक पक्ष ने वहाँ बदतमीजी की और राजेश कर्मियों से गाली गलौज की। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तरवा थाने पर, नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नए वोटरों को जोड़ने, बोगस वोटों को हटाने के लिए भाजपा चला रही वोटर चेतना महाअभियान। बता दें कि युवाओं को मत के महत्व से अवगत करवाने तथा नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे वोटर चेतना महाअभियान के तहत शनिवार को गोरथाने स्थित पंचायत भवन में भाजपा नेता ने बीएलओ संघ बैठक की। बैठक के दौरान रमाकांत मिश्रा ने कहा कि वोटर चेतना महाअभियान के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 व 26 नवंबर और 2 व 3 दिसंबर को सभी बूथों पर सघन जनसंपर्क के दौरान नए वोटरों को जोड़ने के लिए बताया गया। बूथों का निरीक्षण करते हुए बीएलओ को बताया गया कि अधिक से अधिक नए वोटरों को जोड़ने तथा मृतक वोटरों के नाम कटवाने आदि का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेगी और उनके पास सभी फॉर्म भी मौजूद रहेगा। इस दौरान रमाकांत मिश्रा ने कई बूथ का निरीक्षण किया जहाँ बीएलओ मौजूद रहे। वोटर चेतना महान अभियान चल रहा है, नए युवकों को जोड़ने का अभियान। भाजपा इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। हर विद्यालय में बीएलओ उपस्थित हैं और वोटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आज आप कुछ विद्यालय में गए हैं, क्या लगा आपको? कैसे वोटर चेतना महाअभियान के तहत जहां हम नए मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव यह भी देख रहे हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं लगातार 6 महीने से ज़्यादा, यदि हम अपने बूथ पे अपने गांव में नहीं रहते हैं तो हमें वहां का मतदाता रहने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी बहन बेटियां शादी हो गई है, अपने अपने ससुराल में चली गई हैं, कतिपय कारणों से मतदाता मायके में हैं, तो हमारा यह भी प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता उनके घरों को जा रहे हैं और घर से यह संपर्क करके यदि वो लोग वहाँ मतदाता बन गई हैं और यहाँ मतदान देने में उन्हें आने में असुविधा होगी तो उनका नाम भी हम लोग विलोपित करवा रहे हैं। किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो उस नाम को भी सही करवा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता।
मतदाता बनना हमारा नैतिक धर्म है, और जब हम मतदाता होंगे तभी हम अपने मतदान का प्रयोग करके एक अच्छी साफ सुथरी ईमानदार सरकार देते हैं। क्या कितने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा हुआ, कितने नए मतदाताओं का आप लोग बनाने के? हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी 100 मतदाता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनकी भी उम्र जनवरी 24 में पूरी हो रही है, हम उनको मतदाता बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता उस गांव के, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, उस गांव में रहने वाले हमारे जो दल के बूथ कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण हैं, वो सारे लोग घरों घरों में जाके संपर्क करके फॉर्म भरवा करके, और आज के दिन वह यहाँ जो BLO बैठी हैं उनके उनको दे रहे हैं, उनको जमा करवा रहे हैं। जो नए युवा जो वोटर बनेंगे उनको आपका कोई संदेश है कि आज किस तरीके से? आज देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। दुनिया मोदी जी के विचारों का लोहा मान रही है। भारत का भी नौजवान, भारत का युवा प्रधानमंत्री जी के कुशल विजन के कारण अपने को मुख्य धारा से जोड़ रहा है। आप देखिए, फ्री खाद्यान्न, घर घर शौचालय, निःशुल्क आवास, कोरोना की वैक्सीन, किसान सम्मान निधि, जो मोदी जी के जो विजन है उसके कारण हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए उत्सुक है। वो जानता है कि आज देश का सम्मान, हमारा सम्मान केवल अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और देश सुरक्षित है, देश लगातार विकास कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कारण कर रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त महासचिव मनोज कुमार गौतम के दलित संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आजमगढ़ पहुंचने पर उनके जनपद प्रथम आगमन पर आने की सराय में कन्हैया कुमार राव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अपने स्वागत से अभिभूत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव मनोज कुमार गौतम ने अपनी नियुक्ति पर शिष्ट नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कांग्रेसजनों को धन्यवाद दिया और कहा कि पूर्व में मैंने आजमगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव के रूप में मैंने संगठन का काम किया था। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव के रूप में मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका मैं पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। संगठन को बहुत स्तर पर मजबूती से खड़ा करना मेरी प्राथमिकता होगी। कन्हैया कुमार राव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। महासचिव उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेता को दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। इससे पहले मैं प्रदेश सचिव था, आजमगढ़ प्रभारी था, सचिव के रूप में मैंने काम किया। आजमगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे साथ रहे, इसके लिए मैं आजमगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज पार्टी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा और इस संगठन को पूरा पूरा प्रयास करूँगा कि बूथ स्तर पर मजबूती से खड़ा करने का मौका। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज 26 नवंबर को रिक्शा स्टैंड आजमगढ़ पर महायज्ञ किया गया। पुरानी पेंशन बहाली करो, NPS समर्थकों का नाश हो स्वाहा, OPS की जय हो, NPS का नाश हो, शिक्षक कर्मचारियों में एकता हो, बुढ़ापे की लाठी बहाल हो, शिक्षक कर्मचारी की भावना का सम्मान हो, रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्रेट कचहरी जिंदाबाद। महायज्ञ के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। सभी विभाग के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सरकार से अपनी मांग करते हुए पुरानी पेंशन हमारी जल्द से जल्द बहाल की जाए, तब जब तक हमारे बुढ़ापे की लाठी में मिल नहीं जाती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में सचिव प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने बताया कि 2024 के पहले हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन संघर्ष लड़ाई जो भी करना पड़े हम करेंगे, करते रहेंगे। एकता में बहुत ताकत होती है, हम एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करेंगे। इसी तरह जनपद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष CP यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे 4000 सफाई कर्मचारियों के साथ हमने दिल्ली जाकर बता दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारा यह संघर्ष लगातार जारी है, इसी तरह यह आगे भी जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, जनपद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष CP यादव,
बलवंत सिंह जिला संयोजक, प्रोफेसर एस जेड अली जिला संयोजक सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा और प्रदेश संयोजक। आज किन मांगों को लेकर आप लोगों द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया? पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में OPS यानी पुरानी पेंशन बहाली महायज्ञ का आयोजन किया गया। हम लोग ज्ञापन देते देते थक गए, रैलियां देते देते थक गए। सरकार को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कहते हैं लेकिन सुनते नहीं। आप देखिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, लोग महायज्ञ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि NPS का नाश हो। तो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो चिट्ठी भी लिखे थे कि पुरानी पेंशन में ही लोगों का भविष्य सुरक्षित है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि बिना पुरानी पेंशन बहाली के लोगों का जो बुढ़ापा है उसका सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीना संभव नहीं है। जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तो आखिर पेंशन दो क्यों? और सोचने की बात है, मोदी जी 2 पेंशन, योगी जी 2 पेंशन, बहन जी 2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2 पेंशन, इनको 2 पेंशन चाहिए, मैनपुरी टावर्स भी चाहिए और आजमगढ़ से सांसद वाला लेंगे। लेकिन जब आपको देने की, आपको देने की जो सरकार की योजनाओं को जनता तक, आज आयुष्मान कार्ड कौन बना रहा है? शिक्षक और कर्मचारी बना रहा है। शौचालय की गणना कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। आवास कौन बनवा रहा है? शिक्षक कर्मचारी बनवा रहा है। मिड डे मील कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। इनकी सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम शिक्षक और कर्मचारी करता है। लेकिन जब देने की बात आती कहते हैं देश घाटे में। देश कैसे घाटे में है? पुलवामा में जो शहीद है उनको पेंशन देने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस महायज्ञ के माध्यम से जिस यज्ञ को शिक्षक और कर्मचारियों ने दिया सर, ये मैं ऊपर वाले भोले बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि दे कि ये जिस तरह से अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, किसी दिन रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आवें और ये बतावें कि हम शिक्षक और कर्मचारियों के देश के सभी लोगों की पुरानी पेंशन की घोषणा। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी 10 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां शंख भी बजेगी, झंडा भी OPS का लहरेगा, वहां भी हम यज्ञ करेंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे। और यही नहीं, जो पुरानी पेंशन बहाली की वही इस बार सड़कों पर भी उतरेंगे, हड़ताल भी कर देंगे, हड़ताल भी की घोषणा होगी। जो इस बार पुरानी पेंशन की ही सरकार बननी है, हिमाचल में पुरानी पेंशन की सरकार बनी, कर्नाटक में पुरानी पेंशन की सरकार बनी। ये जो भाजपा के लोग बताते हैं कि पूरे भारत में हम हैं, ये जम्मू नहीं है, ये हिमाचल में भाजपा नहीं है, बिहार में भाजपा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं है, कर्नाटक में भाजपा नहीं है, राजस्थान में भाजपा नहीं है, ये है कहाँ? ये कहीं नहीं है, केवल कहने की बात है। इस बार मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट सामने आ रहा है, पुरानी पेंशन की ही सरकार दिल्ली में बनेगी। बाकी जानकारी हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी है, ये आपको बता रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ आज ये उद्देश्य दी, आप सारे लोग जानते हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों की अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी गई, 4,000 रुपया पेंशन पा रहे हैं, नई पेंशन स्कीम में कुछ है ही नहीं, जो पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज पाएंगे। ये हमको समझा रहा है कि बहुत अच्छी पेंशन है। मैं एक चीज केवल कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पेंशन है तो पहले आप ले लीजिए हमको तो बताइए कि हाँ अच्छी हमको लग रही है और हम लेंगे आपको। अभी हमारे भाई ने कहा है, सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि ये इनकी नीयत गड़बड़ है। नीयत केवल हमारे लिए इनकी सोच है, अपने लिए सोच नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि कानून वो होता है जो जनता के हित के लिए हो, वह कानून नहीं होता है कि जो जनता के हित के लिए हो। इनका ये कानून जो है पूरे कर्मचारी और शिक्षक को जीवन जीने पे, ये समझ लीजिए कि के पास ताकत दवाई तक नहीं मिल पाएगी, इसमें सद्बुद्धि। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने रविवार को जैनपुर बाजार स्थित रघुनंदन उत्सव भवन का वैदिक पूजन के बीच दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने लोगों से वोटर बनने की भी अपील की। उद्घाटन अवसर पर श्री कृष्ण पाल ने कहा कि आज जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और लोग भागम भाग की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, ऐसे में लोगों का जीवन मशीन की धुरी की तरह से घूम रहा है। लोग अपने सामाजिक और धार्मिक उत्सवों को भी औपचारिकता के रूप में मना रहे हैं, जबकि पहले लोग पर्व और उत्सवों पर एकत्रित होकर एक दूसरे के दुख और दर्द में सहभागी बना करते थे, जिससे समाज और व्यक्ति का दोनों का विकास और उत्थान होता था। नगर में बना रघुनंदन उत्सव भवन उत्सव और पर्वों पर लोगों के साथ एक साथ एकत्रित होकर खुशी और दर्द बांटने में काफ़ी कारगर साबित होगा। उद्घाटन समारोह में गोरखपुर मंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, चंद्रशेखर सिंह, नंदलाल यादव, दिवाकर सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्रा, भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, अंजना सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वही शाह आलम शौरिया और उनकी टीम ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं अजीत बर्नवाल, रघुनंदन उत्सव सदन का जो है उद्घाटन है, यहाँ पे जो है
किसी भी प्रकार के उत्सव के लिए एक सारे व्यवस्था सुविधाओं के साथ एक हाल का जो है शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जीवनपुर ही नहीं अपूर्ति जीवनपुर के अगल बगल सारे लोगों के लिए एक नया चीज होगा। अच्छा मैंने जो रोड के पास है काफी लोगों को अपनी पार्किंग हमारी बनी हुई है, उसमें हमारी जितने भी जो आगंतुक रहेंगे उनकी गाड़ियां पार्किंग होंगी, यहाँ आठ खड़ी हो सकती हैं और दो चक्के की तो भाई गिनती ही नहीं है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकसभा के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी हैं। हम लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो है ये हम लोगों की एक अनूठी सोच है और इस सोच में हम तो अपने समय से पूरा प्रयास किए हुए हैं कि जो है इसमें इसको पूर्णतया देने के लिए। अगर कुछ भी रहे तो लोग सुझाव दें और उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। अब बाकी जो है प्रयास हमारा है कि जो है सबको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। आजमगढ़ विकास खंड अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत खातीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल लाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित योजनाएं आयुष्मान कार्ड, शौचालय, अटल पेंशन योजना, राशन कार्ड, मुफ्त इलाज, हर घर जल, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी कराई गई। पात्र व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र एवं खरौती प्रमाण पत्र आदरणीय सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान मधुबाला यादव द्वारा वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी ISP रामकेश सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित सचिव सुरेंद्र प्रताप, अमरदीप शर्मा, आजाद सिंह पंचायत सहायक, सीमा यादव, विपिन कुमार खंड प्रेरक, संतोष गौतम, शाहबुद्दीन आदलोक उपस्थित रहे। सपने को साकार करेंगे, सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। तंत्र रक्षक सेनानी का हुआ निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत निवासी झिनकुराम सेठ पुत्र स्वर्गीय धामुस राम सेठ की 31 वर्ष की उम्र में रविवार को सुबह आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के निर्देश पर नायब तहसीलदार श्री राम भी मौके पर पहुंचे और लोकतंत्र रक्षक सेनानी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। नगर के पूरा पोखरे पर उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान दिया गया। मृतक के पास दो लड़के शंभुनाथ सोनी, अमरनाथ सोनी तथा एक लड़की पुष्पांजलि सोनी है। जिनको राम सेठ एक बड़े प्रचारक थे, जो मऊ में रहकर भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। संघ व RSS से जुड़कर इन्होंने लोकतंत्र के लिए काफ़ी काम किया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई महीने जेल में भी काटना पड़ा। लोकतंत्र को बचाने में जो इनकी भूमिका रही और विचार परिवार के माध्यम से राष्ट्रवादी कार्य में भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनारस में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने विद्यालय में रहते हुए ही संघ और विश्व हिंदू परिषद का भी कार्य देख रहे थे। देश और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। तत्पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में इन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी का पुरस्कार भी मिला था। उनके आकस्मिक निधन से क्षेत्र के लोगों को अपूर्णीय क्षति हुई और लोगों ने पहुंचकर इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, भाजपा नेता चंद्रजीत तिवारी, राणा लखन सिंह, थाना प्रभारी तरौलिया शुभेंद्र राय, लेखपाल अजीत कुमार, रोशनलाल पंकज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज अपने तुरिया में एक लोकतंत्र सफलता सेनानी अब शुद्ध ज्ञान हो गया है, फिर उस संघ में भी आप उनके साथ भी कई बार हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे इनके बात करते हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री झिनकू राम सेठ जी का आज स्वर्गवास हो गया। हम लोगों के साथ बहुत
पुराने समय से ये संघ का कार्य करते आ रहे थे और 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो कई महीने ये जेलों में रहे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ। इन्होंने एक लंबा जीवन संघ के लिए, समाज के लिए और देश के लिए दिया था। और आप लोकतंत्र रक्षक सेनानी का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे। आज हम सब उनके सम्मान में अतरौलिया की जनता बहुत दुखी है और हम सब की ये कामना है कि जहाँ भी रहें स्वर्ग में, जहाँ भी रहें आप सुखी रहें, और उनके लिए हमारी यही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है। आप अध्यापक के रूप में भी काशी में काफ़ी लंबी समय से कार्य किया, आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त भी थे और आज कई दिनों से ये बीमार भी थे। आज सुबह 9 बजे आपका स्वर्गवास हो गया। हम सब उनको अष्टपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं उनके परिवार को, इस अतरौलिया की जनता को जो है इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करें। आज अपने खेत में लोकतांत्रिक श्रद्धांजलि दी है स्वर्गीय जिनकू राम सेठ जी, विचार परिवार के, अतरौलिया के एक बड़े विचारक थे जो मऊ में प्रचारक की भूमिका में उन्होंने काम किया। और जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जेल भी जाने का काम किया और लोकतंत्र बचाने में पूरे अतरौलिया में उनकी जो भूमिका रही। और विचार परिवार या भारतीय जनता पार्टी से जितने भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम होते थे सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके न रहने से पूरे अतरौलिया क्षेत्र में ये बहुत अपूर्णीय क्षति। सुनील स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया था, इसके बारे में आप उनके घर के बगल के भी हैं, उनके स्वभाव क्या था और किस में जेल गए थे, क्या है इसके बारे में? स्वभाव के बारे में अब हम क्या बताएं, हम लोगों के तो वो एक तरीके से वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। हमारे संघ के जितने भी कार्यक्रम होते थे सभी कार्यक्रम में इनकी सहभागिता होती थी। और अब आज तो बहुत दुख की बात है और अब हम क्या, हम तो शब्द नहीं हमारे पास है कि हम इनके लिए क्या कहें। और उस समय जब इमरजेंसी लागू हुआ था उस समय इनको जेल में रहना पड़ा, काफ़ी दिनों तक ये जेल में रहे और ये बनारस में ही खास करके इनका शिक्षा वहीं चलता था और विद्यालय में निवास भी करते थे, संघ का काम देखते थे, विश्व हिंदू परिषद का काम देखते थे और देश और समाज के लिए इन्होंने बहुत समय दिया और परिवार को देखते हुए लेकिन समाज के कामों में इन्होंने खूब अग्रणी भूमिका निभाई। और अब आज तो बहुत दुख है कि अपने बीच में अब हमारे जितने भी कार्यक्रम होते थे सब में बहुत अच्छे ढंग से इनकी सहभागिता रहती थी और हम लोगों को मार्गदर्शन भी देते थे कि कहाँ पर कैसे क्या करना है। लेकिन अब तो अब ये कमी तो पूरी नहीं हो पाएगी। इनको लोकतंत्र रक्षक सेनानी का पुरस्कार मिला था और जी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे उस समय, इनको ये सम्मान मिला था और ये काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे इसे कार्यक्रम, देश के कार्यक्रम में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और अब तो बिल्कुल हम कुछ कहने की बहुत स्थिति में नहीं हैं, ठीक है। अब इनको परिवार बड़ी दुखदायक है, हम लोगों को भी दुख है, परिवार में दुख है और ठीक है, ईश्वर से कामना यही है कि इस दुख की घड़ी में थोड़ा सा दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश व पूर्व प्रत्याशी विश्व जफराबाद जौनपुर डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारे गृह निवास ग्राम खरेला पोस्ट सराय पलटू आजमगढ़ में 25 नवंबर से सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह प्रयोजन मेरे पिता पंडित त्रिपुरारी मिश्रा के सकुशल जगया जगन्नाथ धाम की यात्रा संपन्न होने के शुभ अवसर पर किया गया है। कार्यक्रम के तहत 25 नवंबर को कलश यात्रा तथा प्रदक्षिणा का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आज 26 नवंबर को प्रातः 12 बजे तक वेदी पूजन तथा भागवत पूजन और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अमृत कथा का आयोजन किया गया है जो प्रतिदिन चलेगा।
प्रत्येक दिन 5 बजे सायं आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। 2 दिसंबर को पुणावति एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 3 दिसंबर सोमवार को भंडारा एवं प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह ज्ञान के आयोजक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने आम जनमानस से अपील किया कि वे जन कल्याण हित इस आयोजन में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। पहले तो पत्रकार बंधु को हमारी तरफ से शुभकामना है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो हमारे पिताजी पंडित त्रिपुरारी मिश्र महाराज गया जगन्नाथ की यात्रा करके आए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा में कहाँ के विद्वान आएंगे और क्या क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ कहाँ से लोग सम्मिलित हो रहे हैं आपकी कथा पूजन में? ये कथा प्रदेश स्तरीय हो रही है। गिरजा शंकर जी महाराज का आगमन हुआ है, जो बड़े विद्वान आदमी हैं, और आचार्य गर्गाचार्य शुक्ल जी हैं, DHU के प्रोफेसर हैं, यही लोग कथा को प्रारंभ किए हैं, और 7 दिवसीय कथा चलेगी। 3 तारीख को भोज है, जो प्रसाद वितरण कार्यक्रम चलेगा। तमाम साथी संघाती पत्रकार मीडिया बंधु पार्टी सारे लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आप जनता से किस तरह से अपील करेंगे कि इसका श्रवण करें और यहाँ जो भी कथा हो? मैं पूरी जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो देहात में मेरे आवास पर कथा का आयोजन किया गया है, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किया गया है, और सारे जनमानस से मैं अपील कर रहा हूँ कि वह लोग आवें और कथा को श्रवण करें और उसका आनंद लें। संविधान दिवस पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने शपथ ली। जनपद के समस्त थाना और शाखाओं में कार्यक्रमों का आयोजन व प्रस्तावना का पाठन कराया गया और मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। 26 नवंबर को 11 बजे अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ संजय कुमार द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के क्वार्टर गार्ड में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठन व मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। जनपद के समस्त शाखाओं SP सिटी कार्यालय, SP ग्रामीण कार्यालय, SP ट्रैफिक कार्यालय, CO सिटी कार्यालय, CO सदर कार्यालय, CO लालगंज कार्यालय, CO फूलपुर कार्यालय, CO बुढ़नपुर कार्यालय, CO सकरी कार्यालय, TRB, DCRB, CCC, TNS, लिपिक कार्यालय व अन्य कार्यालयों तथा पुलिस लाइन्स में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। वही जनपद के समस्त थानों के थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना परिसरों में उपस्थित समस्त कर्मचारी गणों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली